Hey everybody, this is Brijesh here and you are watching CAP Infoventry, Income Tax. जब भी कोई इसके बारे में सुनता है तो इससे बचना चाहता है क्योंकि इनकम टैक्स तो कोई भी नहीं देना चाहता और वह भी अपनी हार्ड एंड इनकम में से। इनकम टैक्स देना शायद किसी को भी पसंद नहीं है, आपको भी। सबकी एक ही चाहत है, कमाओ तो खूब लेकिन इनकम टैक्स एक पैसा भी ना देना पड़े। लेकिन दोस्तों, ऐसा सोचने से भी तो काम नहीं बनेगा। आज देश के अंदर एयरपोर्ट बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे और रोड्स बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसके लिए सरकार को पैसा चाहिए। जब तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक देश का विकास भी नहीं हो पाएगा। आपने नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे को देखा ही होगा, इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आपके सामने जीता जाता उदाहरण है। इसके अलावा भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया गया है। दिल्ली से मुंबई के बीच में एक नई रोड का निर्माण किया जा रहा है, मुंबई ईस्टर्न फ्रीवे, विच इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फ्लाईओवर, डबल डेकर ट्रेन्स, India's first solar park in Gujarat, the rail link through India's longest rail tunnel, GIFT City in Gujarat, metro rail projects in various cities of the country, modernization at India's various airports, world's highest rail bridge across Chenab River. Dosto, in sab infrastructure ko develop karne ke liye sarkar ko paise ki zarurat hoti hai, रेवेन्यू की जरूरत होती है, जो कि उसको मिलता है इनकम टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में। यही दो ऐसे मेन सोर्स हैं जिसके द्वारा सरकार अपना रेवेन्यू कलेक्ट करती है और उसको वो अल्टीमेटली देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर खर्च करती है, जिसका फायदा देश के देशवासियों को मिलता है, उसकी प्रगति होती है, उसकी इनकम बढ़ती है और देशवासियों को और अच्छी लाइफ बिताने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। इनकम टैक्स पे कीजिए और देश की तरक्की में अपना योगदान दीजिए। दोस्तों, शेयर मार्केट में तो आप इन्वेस्टमेंट करते ही होंगे। जी हां, शेयर मार्केट में भी, म्यूचुअल फंड्स में भी और इसके अलावा और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में भी आप अपनी बचत को इन्वेस्ट करते होंगे और उससे आप अच्छी खासी कमाई भी करते होंगे। आपको यह भी जानकारी होगी कि शेयर मार्केट से होने वाली कमाई पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, यानी कि आप शेयर सेल या परचेज, यानी कि शेयर की खरीद या बेच करने के बाद जो प्रॉफिट कमाते हैं उस पर कितना इनकम टैक्स लगता है, उसकी बारीकियों को समझाने के पर्पज से आज मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें मैं उन बारीकियों को भी आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आपको पता लगे और आप प्लान कर पाएं कि आपको कितना टैक्स अपने शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस पर, उसकी अर्निंग्स पर देना है, ताकि आप एक करेक्ट और ऑप्टिमम टैक्स अपने शेयर मार्केट की अर्निंग्स पर दे पाएं या पे कर पाएं। अब दोस्तों, आप सोचिए आप किस तरह की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में करते हैं। शेयर ट्रेडिंग आपकी हो सकती है कई तरीकों से, जैसे कि आपने कोई शेयर खरीदा यानी कि उसकी डिलीवरी ली और वह आपके डीमैट अकाउंट में आ गया, या फिर आपने एफएनओ दैट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करी, जिसमें आपके पास शेयर नहीं आते हैं लेकिन एक सर्टेन पीरियड के बाद उसके अंडरलाइन शेयर की जो प्राइस होती है, उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वह आपको मिल जाता है या आपको पे करना पड़ता है। इसके अलावा आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी वेरियस प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि डेट फंड है, इनकम फंड्स हैं, थीम बेस्ड फंड्स हैं, मिक्स फंड्स हैं, यानी कि डेट और इक्विटी दोनों का मिक्स, और इसके अलावा इक्विटी फंड भी हैं। और भी बहुत सारे फंड हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनियां आपको ऑफर करती हैं, उनकी टैक्सेबिलिटी के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा।
दोस्तों अब हम पहले बात करते हैं कैश सेगमेंट की। कैश सेगमेंट का मतलब है आपने कोई शेयर परचेस किया और उसकी डिलीवरी आपके डीमैट अकाउंट में आ जाती है। यह शेयर आप परचेस करते हैं या तो एनएसई पर या बीएसई पर, मींस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड शेयर्स। जब आप इस शेयर को सेल करते हैं तो वह शेयर आपके डीमैट अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं और उसका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। इस सेल परचेस का जो डिफरेंस है, अगर उसमें आपको प्रॉफिट हुआ तो वो इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल है, और अगर आपको उससे लॉस होता है तो वह अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। दोस्तों अब आपको बताता हूं कि इनकम टैक्स में ये जो आपका प्रॉफिट होता है शेयर सेल परचेस पर, उसे किस नाम से पुकारा जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसको पुकारा जाता है कैपिटल गेन के नाम से। लेकिन उसकी भी दो कैटेगरी बनाई गई हैं इनकम टैक्स के अंदर, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नाउ यू विल बी वंडरिंग दैट व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। घबराइए नहीं दोस्तों, वे भी मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। एग्जाम्पल के लिए, आपने कोई शेयर आज खरीदा और उसकी डिलीवरी आपके डीमैट अकाउंट में आ गई। अब आप उस शेयर को आपके पास खरीदने की डेट से एक साल के अंदर अंदर, यानी 12 महीने के अंदर अंदर यदि सेल कर देते हैं और उस पर आपको प्रॉफिट या मुनाफा होता है, तो आपको जो भी प्रॉफिट होगा वह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नाम से जाना जाएगा इनकम टैक्स के अंदर, और ऐसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको 15%, यानी के 15% का इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। यानी के अगर आपको 2,00,000 रुपए का किसी साल में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का प्रॉफिट होता है, तो आपको 30,000 रुपए इनकम टैक्स के रूप में पे करना पड़ेंगे। अब आप कहेंगे कि सर हमेशा तो हमें प्रॉफिट होता नहीं है, कई बार हम लॉस में भी जाते हैं। और यह भी आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग लॉस में ही जाते हैं और कमाने वालों की नंबर उनके मुकाबले बहुत कम होती है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में अगर आपको अपनी शेयर ट्रांजैक्शंस पर, जो कि आप 12 महीने के अंदर बेच देते हैं, और उस पर आपको कोई कैपिटल लॉस होता है, यानी कि आपने खरीदा तो माल 100 रुपए का लेकिन बेचा उसे 90 में, तो आपको 10 रुपए का उस पर लॉस हो गया, तो इनकम टैक्स के अंदर प्रोविजन है कि आप उस लॉस को अगले 8 सालों तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी अगले 8 सालों तक उसको आप आगे ले जा सकते हैं। और अगर अगले सालों में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो वह शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से एडजस्ट हो जाएगा और आपको उस कैपिटल गेन पर कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको पहले साल में 1,00,000 रुपए का कैपिटल लॉस हुआ, जैसा कि पिछली बार लॉकडाउन लगने के समय सभी को लॉस होना शुरू हो गया था, क्योंकि आपने मार्केट गिरने पर अपने आपके बहुत सारे शेयर घबरा कर 12 महीने के अंदर ही उनकी खरीद की डेट से सेल कर दिए थे या बेच दिए थे, तो वो इनकम टैक्स के हिसाब से आपको ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ। लेकिन अब इस साल में जबकि मार्केट खूब ऊपर चल रहा है, तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो गया और आपने कुछ शेयर खरीदे थे जो आपने 12 महीने के अंदर ही सेल कर दिए या बेच दिए और उस पर आपको प्रॉफिट हो गया, तो ऐसा प्रॉफिट इनकम टैक्स के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और आपका जो पिछला कैरी फॉरवर्ड लॉस था उसको यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एडजस्ट कर देगा और आपको कोई भी टैक्स करंट ईयर में पे नहीं करना पड़ेगा अपनी शेयर मार्केट की कमाई पर। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि अगर आपने लॉकडाउन वाले साल में
2,00,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किया अपने शेयर की सेल करने पर, तो वह आप अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर। अब अगर करंट ईयर में आप अपने कुछ शेयर अपने खरीद की डेट से 12 महीने के अंदर बेच देते हैं और उस पर आपको प्रॉफिट या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और मान लीजिए कि वह प्रॉफिट 1,00,000 रुपए का है, तो वह आपका 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट पिछले 2,00,000 रुपए के शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से एडजस्ट हो जाएगा और करंट ईयर में आपको कोई भी इनकम टैक्स अपने शेयर के प्रॉफिट पर नहीं देना पड़ेगा। या ये बात ध्यान रखिए कि आपको अपना टोटल कैपिटल लॉस पूरे साल का इकट्ठा करके कैलकुलेट करना है और वही आपका अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, और इसी तरह अगले साल में भी आपको अपना पूरा प्रॉफिट जो शॉर्ट टर्म कैपिटल का है उसको इकट्ठा करके कैलकुलेट करना होगा और उसी को आप अपने पिछले साल के कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से एडजस्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे वंडरफुल, ये चीज तो मुझे पता ही नहीं थी। तो आपको एक और नई जानकारी पता चली इनकम टैक्स के अंदर विद रेस्पेक्ट टू शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपने बता दिया कि अगर मैंने शेयर अपनी खरीद की डेट से 12 महीने के अंदर बेच दिया या सेल कर दिया तो ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, लेकिन अगर मैं वह शेयर अपनी खरीद की डेट से 12 महीने के बाद बेचता या सेल करता हूं तो उसका क्या होगा? दोस्तों थोड़ा सा सब्र रखिए, वे भी मैं अब आपसे डिस्कस करता हूं। अपनी खरीद की डेट से 12 महीने के बाद बेच देते हैं या सेल कर देते हैं तो उस पर आपको 10% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, 10% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे प्रॉफिट को इनकम टैक्स के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझाता हूं। अगर आपने किसी साल में अपने शेयर को परचेस करने की डेट से 12 महीने के बाद बेचा और उस पर आपको 2,00,000 रुपए का कैपिटल गेन हुआ, तो ऐसी कंडीशन में आपको उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा इनकम टैक्स के अंदर, और आपको 10,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में या इनकम टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये कौन सी गणित है कि कैपिटल गेन हुआ 2,00,000 का और उस पर 10% के हिसाब से आप बता रहे हैं 10,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको पहले 1,00,000 रुपए तक पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना है, यानी कि पहला 1,00,000 रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल्कुल टैक्स फ्री है इनकम टैक्स के अंदर। और इसलिए आपको अगर किसी साल में टोटल 2,00,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको सिर्फ 10,000 रुपए इनकम टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा, न कि 20,000 रुपए। हो गई ना बढ़िया वाली बात। आप भी कह रहे होंगे अरे हमें तो ये पता ही नहीं था कि पहले 1,00,000 रुपए का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर हमें कोई टैक्स ही नहीं देना है। तो अब इस तरह से आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर आपका किसी साल में प्रॉफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में सिर्फ 1,00,000 रुपए तक का है तो आपको कोई भी टैक्स उसके ऊपर कैपिटल गेन के रूप में या इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई शेयर आपको प्रॉफिट दे रहा है और उसके अभी 12 महीने पूरे नहीं हुए हैं उसकी खरीद की डेट से, तो कोशिश कीजिए कि उसको आप 12 महीने के बाद ही सेल करें अगर बाकी दूसरी कंडीशंस आपके फेवरेबल हो। तो ऐसी कंडीशन में आप पहली बात तो यह है कि पहले 1,00,000 रुपए तक पर कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे, और दूसरी बात अगर टैक्स आपको पे करना भी पड़ा तो 15% की जगह आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना सीधी सीधी 5% की बचत टैक्स की। जी हाँ दोस्तों, एवरी पेनी सेव फ्रॉम टैक्स
इज योर इनकम। जो भी आपने टैक्स के रूप में बचाया वो आपकी इनकम है। दोस्तों, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहले तो शेयर पर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरी तरह से फ्री था, उसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो हाँ दोस्तों, अब सरकार ने कहा है कि अगर आप कमाई कर रहे हैं शेयर के सेल परचेज से, तो उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा, और वह भी 10% की दर से, यानी के 10% की दर से। हाँ, अगर आप एक साल में 1,00,000 रुपए तक इस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हैं शेयर पर, तो उस पर आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस तरह अगर आपको शेयर के सेल परचेज में लॉस होता है, और वह लॉस आपको उन शेयर पर होता है जिसे आप उसकी परचेज की डेट से 12 महीने के बाद बेचते या सेल करते हैं, उस शेयर का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले 8 साल के लिए, और जिस साल में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वह इस कैरी फॉरवर्ड लॉस से सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान में रखने की कि आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को ही अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि ऐसे शेयर जिसको आपने कम से कम 12 महीने अपने डीमैट अकाउंट में रखा है परचेज करने के बाद, और उस पर यदि आपको कोई लॉस हुआ है तो वही लॉस आपका उस शेयर के कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा जिन्हें आपने 12 महीने खरीदने की डेट से या परचेज करने की डेट से अपने पास रखने के बाद सेल किया है या बेचा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लें, यह इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है। इसके पीछे का मैं आपको राज भी बताता हूं कि क्यों आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं किया जा सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% के हिसाब से टैक्सेबल है इनकम टैक्स में, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% के हिसाब से टैक्सेबल है। तो सरकार ने आपको यह अलाउ नहीं किया है कि आप अपना 10% का कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म टैक्स लॉस 15% के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर लें। इससे सरकार को 5% का रेवेन्यू लॉस होगा। इसलिए कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट होगा सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। आपको अब यह बात क्लियर हो गई होगी। आइए अब एक और बात करते हैं। आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैश मार्केट में करते हैं, यानी कि सेम डे शेयर खरीदा या परचेज किया और सेम डे उस शेयर को बेच दिया या सेल कर दिया, यानी कि स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसको शेयर मार्केट की भाषा में इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं, जिससे आप भलीभांति परिचित होंगे। इनकम टैक्स के अंदर ऐसी इंट्राडे ट्रेडिंग को कैपिटल गेन के दायरे में नहीं रखा गया है, यानी कि दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन, यानी कि इसको कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा इनकम टैक्स के अंदर। अब आप कहेंगे, सर आप तो बहुत कंफ्यूजन करते हैं, कभी कहते हैं कि आपकी शेयर की ट्रेडिंग से होने वाली प्रॉफिट या इनकम को इनकम टैक्स के अंदर हम कैपिटल गेन मानेंगे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि यदि मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग करी है शेयर की तो आप उसको कैपिटल गेन नहीं मानेंगे। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स के अंदर अगर आप कोई शेयर को सेम डे खरीद कर, यानी कि परचेस करने के बाद उसी दिन बेच देते हैं या सेल कर देते हैं, तो उसको कैपिटल गेन ना मानकर इनकम टैक्स के अंदर उसको आपका स्पेक्यूलेटिव लॉस या गेन माना जाए, यानी कि आप अगर किसी शेयर को उसी दिन परचेस करके उसी दिन सेल कर रहे हैं और उसकी डिलीवरी नहीं ले रहे हैं, ऐसे सेल परचेज पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस आपका स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट या लॉस माना जाएगा इनकम टैक्स के अंदर। ये माना जाता है कि अगर आप शेयर की डिलीवरी नहीं ले रहे हैं तो आप यह स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं और यह आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसको स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट या लॉस माना जाता है इनकम टैक्स के अंदर। यहां पर आपको यह नोट करना जरूरी है कि स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस को आपके नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स किया जाता है इनकम टैक्स के अंदर, यानी कि
अगर आप इंडिविजुअल हैं तो 20% या 30% के रेट से, अगर आप न्यू रिजाइन में आप लोअर टैक्सेशन को आप किए हैं तो 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30% के रेट से, और यदि आप कंपनी है तो कंपनी के ऊपर जो भी नॉर्मल टैक्स रेट एप्लीकेबल है दैट इज 30% और 25%, इन रेट से आपकी स्पेक्युलेटिव इनकम को इनकम टैक्स के अंदर टैक्स किया जाएगा, ना कि कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स ऑफ 10% और 15% से। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में मैंने लॉस किया है तब क्या होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे केस में स्पेक्युलेटिव लॉस को केवल 4 साल तक के लिए ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बस ओनली फॉर 4 years अगेंस्ट द नॉर्मल कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस फॉर 8 years। जी हाँ, 8 साल के अगेंस्ट में स्पेक्युलेटिव लॉस को सिर्फ 4 साल तक के लिए ही कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है इनकम टैक्स के अंदर। यहां पर एक बात और ध्यान देने की है आपके लिए, वो ये कि स्पेक्युलेटिव लॉसेस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव इनकम। जी हाँ, आपको अगर कोई स्पेक्युलेटिव लॉस होता है और आप उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उसको सिर्फ स्पेक्युलेटिव इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है, किसी और इनकम के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर उससे होने वाली इनकम या लॉस को आपकी स्पेक्युलेटिव इनकम या लॉस माना जाएगा। तो दोस्तों, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया टैक्सेबिलिटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑन लिस्टेड शेयर्स ट्रेडिंग अलोंग विद सर्टेन टिप्स विच यू कैन यूज टू ऑप्टिमाइज योर इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन शेयर ट्रेडिंग इनकम। अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा टैक्सेबिलिटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑन नॉन लिस्टेड शेयर ट्रेडिंग एंड म्यूचुअल फंड। अगर आज की ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगी हो देन प्लीज लाइक एंड शेयर इट एज वेल। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी आगे आने वाली इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस की टाइमली अपडेट के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टे अपडेटेड एंड स्टे अहेड विद दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Stay safe and healthy. Until next video, bye-bye.